सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं हरियाणा से नारनौल से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे पापा हैं, तो अचानक ये बेड से गिर गए घर पे, तो मैं इनको नारनौल लेके गया, तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बताया कि इनकी ये जो मेन नली जो होती है ब्लड की, वो बोल फट गई है, तो आप जल्दी से इनको जयपुर लेके जाओ। कंडीशन सीरियस थी, तो मैं इनको लिख के जयपुर लेके आया मणिपाल हॉस्पिटल में। वन पेशेंट कंवर सिंह, 55 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, हमने इमरजेंसी से रिसीव किया। पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, स्क्रोटल रीजन पेन एंड रेडियंट इंटरनल प्यूबिक रीजन। कंवर सिंह एक 65 साल के सज्जन हैं, जो हमारे पास इस अस्पताल में एक बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में लाए गए और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल बीमारी के साथ। उसे हम साइंटिफिक टर्म्स में रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनिविज्म इन्वॉल्विंग बायलेटरल कॉमन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक आर्टरी कहते हैं। इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब यह होता है कि मेन आर्टरी, जिसे हम आयोटा कहते हैं, उस मुख्य महाधमनी, उसका अत्यधिक मात्रा में फूल जाना और फूलना इतना ज़्यादा कि वो फट जाए। मरीज के रिश्तेदारों से बात हुई, मरीज के रिश्तेदारों से उसकी अवस्था छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि वो अपनी एक एक सांस बड़ी लेबरसली ले रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। मरीज के रिश्तेदारों ने कोई समय नहीं व्यतीत किया, सिर्फ यही कहा, मुझे याद पड़ता है कि साहब कुछ भी हो सकता है तो कीजिए। इस दौरान जब हम ये सब बातें कर रहे थे, तब तक उनकी कुछ बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट्स और बाकी सब रिपोर्ट्स हमारे सामने आने लगी, और उसमें एक जो रिपोर्ट जिस पे हमें जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट। जो बेसिक हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट केवल 4 ग्राम प्रतिशत, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि भाई मरीज का सारा ब्लड बाहर आ चुका था एब्डोमेन में। डिटेल डिस्कशन के बाद मुझे और मेरी टीम को ये समझने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगा कि अगर हमें इस व्यक्ति को बचाने का एक आयोटा ऑफ चांस भी देना है, बचाने की बात तो बहुत बात की है, बच पाने की बात तो बहुत बात की है, एक चांस भी देना है, तो हमारे को अगर इसकी सर्जरी के लिए फौरन से पेशतर जाना पड़ेगा। इनको हमने ऑप्टिमाइज़ किया और 6 अगस्त को प्लान किया कि इनको ऑपरेट करते हैं। 6 तारीख को डॉक्टर साहब विक्रम गोयल ने, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, तो बोले कंडीशन बहुत सीरियस, 1% ही चांस हैं, नहीं तो 99% खतरा बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिफोर ऑपरेशन सडनली पेशेंट जो है वो अरेस्ट हो गया, फ्लैट लाइन ऑन ECG, कोई रिदम नहीं, कोई रेट नहीं, और मेरा टेक्नीशियन था, उसने ड्यूरिंग शिफ्टिंग, हमें ICU से OT शिफ्ट कर रहे थे, ड्यूरिंग शिफ्टिंग सडनली पेशेंट अरेस्ट हो गया, और जो मेरा टेक्नीशियन और मेरा GDA थे निर्मल सिंह एंड GDA मोहित, दोनों ने CPR शुरू कर दिया। हमने और तेज़ी की स्पीड के साथ ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एंटर करवाया। उस समय तक हमारे ऑपरेशन थिएटर की सब तैयारियाँ प्रारंभ हो गई थी। अब हमारे सामने बड़ा चैलेंज था कि इसके ये मुख्य महाधमनी के एंड्यूजम तक पहुंचा कैसे जाए, और इसके लिए अस्पताल में ही विद्यमान दो अन्य जनरल सर्जन डॉक्टर विजय यादव और डॉक्टर प्रशांत गर्ग, जिसको इस दौरान हमने साउंड कर दिया था, हमने उनको कॉल किया और हमने उनसे प्रार्थना की कि आप किसी तरीके से जल्दी से एब्डोमिनल एओर्टा तक जो रप्चर हो चुका है हमारे पहुँचाने में, वहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। बेसिकली मेरा काम खाली इसमें यह था कि इसको एक्सपोज करके, मतलब जो कार्डियक टीम है जो कि इसको एक्चुअल में ऑपरेट करने वाली है, उनको एओर्टा का, जहाँ से एन्यूरिज्म चालू होता है किडनी के नीचे तक के भाग के लिए, इनको एक्सपोज करके देना था, जिससे कि ये लोग इसको कंट्रोल लेके और इसको ब्लीडिंग को रोक पाएँ और इसका ऑपरेशन करके पेशेंट को ठीक कर पाएँ। शुरुआत में तो लगा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि जैसे ही आप पीछे के हिस्से से एओर्टा तक जाते हैं, इतना रक्त स्राव होना संभव होता है कि पेशेंट की जान को बचाना भी संभव ना हो।
एब्डोमन खोलने के बाद में, पेट को खोलने के बाद में उसमें इतना करीबन 3-4 लीटर ब्लड अंदर पेट में ब्लड था, जिसकी वजह से कुछ भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चैलेंज ये भी था कि ब्लीडिंग को जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो हमारी एनेस्थीसिया टीम या जो भी हमारे एफर्ट थे वो सब बेकार हो जाएंगे। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने गट को रिफ्लेक्ट करके आयोटा को एक्सपोज करने की कोशिश की, और आयोटा को पहुंच के प्रॉक्सिमल कंट्रोल लेने के लिए हमने उसको कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे बड़ी आंत को हटा के और एओटा तक पहुंच के कंट्रोल दिया, और सम हाउ वी कुड मैनेज कि हम लोगों ने एओटा तक पहुंच के उसका कंट्रोल कार्डियक टीम को दे पाए। जैसे ही एब्डोमिनल एओटा तक हम पहुंचे भी पूर्ण रूप से नहीं थे, लेकिन हमें दिखने लगा था प्रॉब्लम, और चारों तरफ एब्डोमिनल पेट में ब्लड ही ब्लड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे आसपास के रिजर्वायर भर चुके थे ब्लड से जो हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया। हमारे पास ब्लड मरीज का करीब करीब पूरा ब्लड निचुड़ चुका था, और इस समय हमने फ्रेंटिक कॉल्स करना चालू किया ब्लड बैंक को, जिसको हमने पहले से ही साउंड किया हुआ था। डॉक्टर रवि दारा जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं और उनकी पूरी जो टीम है ब्लड बैंक की, उन्होंने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अपना ब्लड बैंक इस मरीज को बचाने के लिए खोल सा दिया। कवर सिंह एक्टिवेट एमटीपी प्रोटोकॉल। जैसे ही हमने वो मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया, मेरे स्टाफ ने डिफरेंशिएट कर लिया कौन से मुझे ब्लड प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को चाहिए। जैसे इस पेशेंट कवर सिंह पेशेंट को कुछ अमाउंट आरबीसी चाहिए था, कुछ प्लेटलेट्स चाहिए थे, कुछ एफएफपी चाहिए थे, तो हमने सारा इमीडिएटली रेडी करके एज अर्ली एज पॉसिबल हमने सारा ब्लड प्रोडक्ट्स कोटी में इमीडिएटली पहुँचा दिया। ये कार्डियक सर्जिकल टीम का चैलेंज था। हमने वापस स्टार्ट होते ही उस पूरे एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म को विद ब्रांचेस मेरी टीम में डॉक्टर मुनीश पुतेजा और मेरे अन्य सहयोगी ने मिलकर उस पूरे एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म जो कि रप्चर हो चुका था विद ब्रांचेस, उसको जितना एक्सपीरियंसली हम कर सकते थे उसको बदल दिया। दे विल प्लान फॉर रिपेयर, और हमने ग्राफ्टिंग की, एब्डोमिनल एओर्टा को रिपेयर किया, ग्राफ्टिंग की, बायोलेटरल हमने एब्डोमिनल एओर्टिक एनरिज्म को एओर्टा से और बायोलेटरल फ्यूमोरल ग्राफ्ट लगाया, एनरिज्म को रिपेयर करके स्टेबल सिचुएशन हम बाहर लाए। आईसीयू में शिफ्ट करते समय हमारे मन में एक उहापोह की स्थिति थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद जैसे एक चमत्कार सा होता है, हमने देखा अगले एक घंटे में ही हमारे मरीज की स्थिति, उसके हीमोडायनेमिक्स, उसके मॉनिटर में आने वाली हार्ट की गतियाँ, उसका ब्लड प्रेशर सब कुछ सेटल होने लगा, और जो दवाइयाँ हम दे रहे थे उनकी मात्रा पहले आधी फिर चौथाई और उसके बाद धीरे 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 करते हुए करीब करीब ख़त्म हो गई, और मरीज अपनी नॉर्मल हार्ट से नॉर्मल सर्कुलेशन के साथ वापस से ज़िंदगी के किरण जैसे जगती है वैसे चलने लगा। पेशेंट की हिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट थी, पेशेंट जो था वो नॉन केस ऑफ सीएडी था, कॉरोनरी आर्टरी डिसीजेस विथ ट्रिपल रीजन, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, क्रोनिक स्मोकर, सो इन सब दुविधा के साथ तो ये सर्जरी वैसे भी रिस्की थी, और एक चीज़ और ख़राब थी कि इनको हिमराइड्स भी थे, पाइल्स की हिस्ट्री भी थी, और हमें ये ऑपरेशन करने के बाद इनको ब्लड जो थिनर है वो भी देना था। अब ब्लड थिनर के साथ अगर पाइल्स की समस्या है तो एक और कॉम्प्लिकेशन कहीं कहीं ब्लड का रिसाव ना हो, तो ब्लड प्रोडक्ट के साथ लोडर्स ऑफ हेपारिन के साथ हमने वी विल प्लान टू कि नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें, सेकेंड डे सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हुई, और आज चौथे या पांचवे दिन मरीज तोमर सिंह अपने पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जाने की अवस्था में अंदर जिनमें एओर्टा फट चुका है उनको खोलने पर रक्तस्राव होने के बाद तुरंत जान जाने की भी जो संभावना होती है, इसको देखते हुए यूजुअली कई बार लोग इसको छेड़ते भी नहीं हैं, लेकिन हम इस केस में लकी रहे कि इसको कर पाए और पेशेंट को सही सलामत हम घर भेज पाए। रक्चर एओर्टिक एनरिज्म होते हैं, ये किसी भी सर्जन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरीज होती हैं, और जब रिज़ल्ट इस तरह के अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तब उस दिन भगवान का शुक्रिया डॉक्टर हमेशा करता है, और इसके लिए परमपिता परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड को तो बहुत ही बहुत मैं धन्यवाद देता ही हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरीके की केसेस के सक्सेस होने में
जो इस अस्पताल मणिपाल अस्पताल जयपुर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बिल्ड एंड मैन पावर सपोर्ट, इन दोनों का जो शानदार कॉम्बिनेशन है यानी टेक्नोलॉजी और मैन पावर, इसके सपोर्ट के चलते ही हम शायद इस तरीके के कंवर सिंह जी को नई जिंदगी प्रदान करने में सफल हो पाए। सर बहुत बढ़िया लगा, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि नारनूर मेरे को बोल दिया था कि भाई एक मिनट में अगर आप हो सकता आप रास्ते से ही वापस आओगे, आप पहुंच नहीं पाओगे जयपुर तक, लेकिन यहाँ पहुंच कर सब कुछ भगवान ने, डॉक्टर साहब ने, सब ने बहुत अच्छा कर दिया।